नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ आज की अपनी वीडियो में, इस उपाय से आपके शरीर में जो भी कष्ट होगा वो कष्ट दूर हो जाएगा। कैसा भी कष्ट हो, कितनी भी लंबे समय से आप कोई बीमारी से परेशान हो, वो दूर हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपके पैसे घर आकर के लौटाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है संसार में जो इस मंत्र की बदौलत ना हो। आप सबने सुना होगा दोस्तों कि शिव जी देवों के देव हैं, इसीलिए इनको महादेव कहा गया है। शिव जी के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद कोई भी देवी देवता नकार नहीं सकता। शिव जी के मंत्र को बोल करके आप किसी भी काम को करते हैं, कोई भी उसमें विघ्न नहीं डाल सकता। शिव जी का नाम ही अपने आप में दोस्तों बहुत पावरफुल है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को ही अपने अंदर छुपा करके रखे हुए हैं। ओम जिससे शिव है, इस ओम से ही ये पूरा ब्रह्मांड है। जिसने भी दोस्तों शिव की उपासना की है, उसके लिए ये दुनिया ही अलग होती है। कभी उसकी दृष्टि से आप यदि इस दुनिया को देखेंगे, आपका मन झूम उठेगा। ये ऐसा नशा है जो हजारों बोतलों से भी पूरा नहीं हो सकता। एक शराबी एक बोतल पीता है और नशे में झूमता है, और जिसने शिव मंत्र को जप लिया और उसके जो सच्चा आनंद है उसमें डूब गया, हजारों बोतलें भी उसका सामना नहीं कर सकती। इतना गहरा होता है ये नशा, इतना गहरा इसका आनंद है। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा बताती हूँ, एक चीज जरूरी होती है। वो चीज है आपके अंदर की पॉजिटिविटी। आप यदि खुद पॉजिटिव हैं, क्योंकि कर्ता धर्ता आप ही हैं। आप खुद यदि नेगेटिव हैं, तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। और आप खुद पॉजिटिव हैं, आप खुद क्रिएटिव हैं, आपके अंदर सब कुछ नया नया जन्म ले रहा है, आप खुद एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बहुत कुछ संभव हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ खुश रहें, सबसे पहले खुश रहें, क्योंकि खुश हो तो सुखी तो हो ही जाओगे। सुखी हो मतलब संपन्न तो हो ही हो, और उसके बाद आप जो चाहोगे कर लोगे, है ना? तो दोस्तों, पॉजिटिव होने के लिए, अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू बी अ पॉजिटिव। आप यदि पॉजिटिव है, बहुत कुछ कर जाएंगे। और ये जो मंत्र है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और इस चीज को यदि आपने सिद्ध कर लिया, जैसे मैं बताती हूँ, पानी को अभिमंत्रित करके पीना, मतलब आपके रग रग में वो चीज आ जाती है जो आपके अंदर एक ताकत भर देती है। आप देखना, एक ताकतवर आदमी कहीं खड़ा है जिसके चेहरे पर जबरदस्त नूर है, जबरदस्त चमक है जो आध्यात्मिकता से ही आती है। आम जीव उसका सामना नहीं कर पाते। और एक कायर सा इंसान कहीं खड़ा है, उसके चेहरे पर ना तो विश्वास है, ना उसकी स्पीच में कोई भरोसा है, कोई भी उसका विश्वास नहीं कर सकता। और कोई भी इंसान उसे यूं चलते चलते बोलता है चला। तो ये जो शक्ति आती है मंत्रों के द्वारा आती है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी के द्वारा आती है। आपको दोस्तों क्या करना है, सोमवार के दिन आप जल ले लें, स्वच्छ जल ले लें। यदि आपके घर में गंगा जल है या कोई भी नदी का जल हो, दो बूंद उसमें मिला लें और उसमें आप अपनी अनामिका उंगली को डुबो दें, ठीक है? डुबो करके आंखें बंद कर लें। जब आप ये क्रिया करते हैं, आपका मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए, ठीक है? यदि आपको पैसों की बहुत नीड है और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये क्रिया सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो आपका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। शत्रु यदि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है? आप अपनी अनामिका उंगली दोस्तों पानी के अंदर डुबो दें और आपको बोलना है,
33 बार ये मंत्र 33 टाइम ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ये हुआ एक मंत्र। आपको 33 बार इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर लेना है और उसको पी लेना है, उसके बाद ही आप कोई भी कार्य आरंभ करें। या फिर आपको दिन में जब भी समय मिलता है, हर सोमवार सोमवार आप इस क्रिया को शुरू करें, या फिर सोमवार से शुरू करें और कंटिन्यू 7 दिनों तक आप इस क्रिया को करें। दोस्तों, आपकी बॉडी में कैसे भी नेगेटिविटी होगी आपको छोड़ करके भाग जाएगी। जो चीजें आपके रास्ते में अड़चने पैदा कर रही है वो चीजें आपके रास्ते से हट जाएगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप दोस्तों करोड़ मांगेंगे आपको अब्जो मिलेंगे, ऐसा ये मंत्र है। इसमें दोनों ही चीजें मिली हुई हैं, ओम नमः शिवाय के साथ शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जो पुरुष बोलते हैं, और जो महिलाएं हैं शिवाय नमः जितना बोलती है उतना उन्हें शिव जी की शक्ति प्राप्त होती है। और इस मंत्र में दोनों ही चीज है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दोनों ही चीजों को ये मंत्र इग्नाइट कर देता है, करण कर देता है, लाइव कर देता है। आपकी पूरी बॉडी एक ताकत महसूस करती है, आप वो सब कुछ करेंगे जो आप करना चाहते हैं। करके देखें, करते रहें, खुश रहें। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं और जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, बहुत अच्छा काम है। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।